दस बीस गुफा नहीं गुफा। कुछ देर में ही हम गुफा देखने वाले हैं, जैसे जाते टाइम देखा था ना वैसे ही अभी वापस जाते टाइम भी दिखेंगे। ठीक है तो चिल्लाएगा ना तू राहुल, चिल्लाएगा ना, नहीं चिल्लाएगा भाव भाव बंदर का आवाज निकालेगा कि नहीं निकालेगा इस वीडियो देखना। और दादी वादियों का मजा लेते हुए एकदम जबरदस्त दीदा गुफा आने वाला है। गाइस गाइस गुफा आने वाला है। पैकिंग कंप्लीट हो चुका है, अब आने वाला स्टेशन हमारा बिलासपुर। बैग रेडी है, अब चलेंगे बिलासपुर आने वाला है। इधर आ गया आउटर स्टेशन। हम लोग अभी बिलासपुर उतरे ना मामा के घर, मतलब मामा के घर यहीं पे, तो अपन पहले मामा घर जाएंगे उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान जो भी है। शाम में ट्रेन है हमारे वापिस घर के लिए, तो अभी चलते मामा के घर। बॉटल कहाँ जा रहा है देखो। क्या है वो दिखाओ, सबको दिखाओ, कंची दिखाओ आपका। तो ये अभी अपना कंची कलेक्शन दिखा रहा है अपना, दिखाओ सबको। पहले हाय बोलो, हाय हाथ दिखाओ हाय करके। अब दिखाओ क्या ये कंची, दिखाओ कंची ऐसे दिखाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ सबको। आप इतना सारा रखे हो आप, हाँ ठीक है। मम्मी लेके आई थी मेरे लिए। अच्छा मम्मी बोली खेलना बेटा ऐसे ही। ठीक है फिलहाल हम लोग हैं मौसी लोग के दुकान में, ये गांव इलाका है थोड़ा सा, तो वहीं पे हम लोग। इसके बाद हम लोग लगभग 5:30 के आसपास ट्रेन है, उसमें जाएंगे घर वापस, है ना। आज तो हम नहीं रुक रहे, चले जाएंगे। ओके खाना तो सब खा लिया, अब ये खा रहे हैं। बाय बोल दो। बाय। अच्छा वो जैकेट को ला के दिया, जैकेट में ही पैसा था मेरा। तो हम लोग फिलहाल स्टेशन में हैं, इसके बाद निकलेंगे घर की ओर, आने वाली है ट्रेन। मम्मी लोग है वेटिंग हॉल पे, हम लोग निकल गए ऐसे। क्या पापा चले पकड़ो इसको, मैं भी बैग पकड़ो ना, बस इतना सीट नहीं और क्या। टीटी कैसे आ जाएगा, कैसे माइक लेके आए थे क्यों गाना। तो हम लोग नए ब्रिज से जा रहे हैं, ये 5 दिन के अंदर बहुत सारी चीज चेंज हो गया। ये नए पुल से अपन जा रहे हैं अभी फिलहाल, और राहुल उधर है, दिख नहीं रहा हूँ इसमें। और देख सकते हो पटरी वटरी सब लग गया, आपको दिखेगा सुबह दिखाऊंगा अच्छे से।
बाकी नए हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, नए सीढ़ी से पकड़ पकड़ इधर। दीदी डॉग से डर रही है, काली बेटी तो है वो, मेरे को बहुत डर लगता है। आजा दीदा, अरे दौड़ते जाओ ना उधर तक, अरे दौड़ते जाओ, डरना नहीं है। हेलो गाइस, अंदर आइए ना गाइस। तुम जाओ जाओ अंदर जाओ, रेस्ट करो। क्या मजे है यार। और अब बता दो कि इतना रात हो गया ना, तो मम्मी को बोले कुछ मत बना, जैसे भी पापा ने मंगवा लिया था थाली, ग्रेवी थाली, देखते हैं क्या क्या है इसमें। कुछ नहीं, नॉर्मल ही, मैं तो क्रीम रोल खाया था, अब जा रहा हूँ डायरेक्ट सोने के लिए। दादी सो गई है, सो गई है, आज ऐसे नहीं करेंगी। हम लोग भी जा रहे हैं सोने के लिए, लगभग बज रहे हैं अभी 10 बजे के आसपास। बस ये अपने घर में ही सुकून है। लेकिन मेरा सोना मेरे को तीरथ घुमा के ले आया मेरे लाल। तीरथ? बाबा उज्जैन घुमाया मेरे बाबा, उज्जैन बाबा भोलेनाथ का दर्शन करा दिया मेरे भोले बाबा का। क्या बात है, शुक्रिया बोल रहे थे क्या आप? वेलकम। ओके, मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, तो मेरे बेटे ने मुझे उज्जैन घुमा के ले आया। मैं बहुत खुश हूँ गाइस आज कि मेरे बेटे ने मुझे पहली बार मेरे मन पसंद चाहा जगह में घुमा के लाया। तो गाइस आप क्या बोल रहे हो? आप आओगे इस बार हम लोग साथ? इस बार आ जाना ठीक है, इस बार कोई ड्यूटी का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बहुत बहुत हम लोग ऐसे टाइम में जाएंगे कि आप जा पाओ, आप जा पाओ। तो फिर अच्छा लगता, सब कोई पूछते हैं फैल लो आपके, आपके पापा कहाँ, आपके पापा कहाँ, तो अच्छा नहीं लगता है। पापा हम लोग कितने लोग मिले थे बीच में, तो पापा कहाँ है, पापा कहाँ, सब लोग पूछते थे। तो हम लोग बताया कि नहीं, पापा भाई ड्यूटी था, नहीं जा पाए और घर खाली था इसलिए भी नहीं जा पाए। और ज्यादा अगर हम देखे तो उनके पापा का फैन ज्यादा हमसे, तुम्हें को लगा। और एक चीज और, ये हम लोग अब खड़गपुर फिर से जाने वाले है ना, तो वहाँ भी जो सीन होगा इस बार अलग होगा। दादी को छोड़ने जाना है ना, तो पापा मैं मम्मी इस बार फैमिली जाएगी पूरी ठीक है। इस बार एक जगह हम मिस करेंगे जरूर, दीदी को। मस्त खाना खाते हो यार? मस्त खाना खाते हैं यार, आलू है, आलू दम आलू है। तो वेज देगा ना, वेज रेस्टोरेंट जाओगे तो ये क्या है, ये वाला गोभी का सब्जी है, खा लो। मैं बड़ा जैसा लगा, मैं खा ले, रोटी खा ले। नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ, आप चावल खा लेना, तो रोटी हम खा लेना। मैं नहीं खाऊंगा, मैं खा लिया। बाय, गुड नाइट। खा ले रोटी, एक ठो। बहुत कुछ खाया राजा, नहीं खाया बहुत कुछ खाया बहुत कुछ खाया। तो फाइनली घर तो आ गए, और घर पूरा बिखरा बिखरा तो नहीं था क्योंकि पापा अकेले थे, तो क्या ही बिखारेंगे घर है ना। और जैसे भी है, लेकिन अपने बेड में ज्यादा अच्छा नींद आता है मेरे को। बहुत मजा आया उज्जैन, मस्ट विजिट करना, करना ही करना आप लोग ठीक है। महाकाल के दर्शन जरूर करना आप लोग, मजा आ गया, मतलब सुकून मिल गया। मैं पहले ही बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, मजा आ गया। तो कुछ नहीं, अभी खाना खा लिया, पापा एक रोटी खिलाई जबरदस्ती ठीक है। तो फिलहाल गाइस कुछ नहीं, हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी आपसे अगले ब्लॉग पे, मतलब कल। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इसलिए ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, अभी कुछ करने को भी है भी नहीं। तो अगर ब्लॉग सच में अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी आपसे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा।